लीव सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट के कैटेगरी में ही हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट्स इट। चलो, तो ये है क्या लीव सैलरी का मतलब, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि व्हाट इज़ लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयज़ को सर्टेन डेज प्रोवाइड करता है कि आप छुट्टी लो, आप काम पे मत आओ, लेकिन आपका सैलरी भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हॉलीडेज़ यू कैन टेक सम डेज ऑफ फ्रॉम योर वर्क, ऑफ फ्रॉम योर डेली वर्किंग लाइफ, एंड यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दी सैलरी दैट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि कोई भी सैलरी नहीं डिडक्ट होगा। मतलब आपको छुट्टी दिया जा रहा है, ठीक है, छुट्टी दिया जा रहा है, दैट छुट्टी कैन बी 30 डेज इन वन ईयर, और 15 डेज इन वन ईयर, और 40 डेज इन वन ईयर, 45 डेज इन वन ईयर। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना चाहता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ही तो उनकी जान है। लाइक इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ द एम्प्लॉयज़ लीव द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेफ्ट विथ नो लाइफ। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें छुट्टी देती है कि आप छुट्टी लो, आप जाओ घूम के आओ। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी तो मिलता है और जिसके लिए सैलरी भी नहीं कटेगी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं दे प्रेफर टू वर्क, दे प्रेफर टू स्टे विद देयर डेली रूटीन लाइफ, या फिर वो लोग जितना छुट्टी उन्हें दिया जाता है उतना छुट्टी वो लोग यूटिलाइज भी नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे से 45 डेज का छुट्टी मिलता है एक साल में, 45 डेज में से यू हैव यूटिलाइज्ड ओनली 15 डेज इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। नाउ रिमेनिंग आर 30 डेज, 30 दिन छुट्टी आपका अभी भी बाकी है, यू डिड नॉट टेक दैट लीव फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, और आपने छुट्टी लिया ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप छुट्टी ले लीजिए उसी साल में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का रूल हो सकता है कि अगर आप छुट्टी नहीं लेंगे तो वो सारे छुट्टियां जो हैं आपका कैंसिल हो जाएगा, या फिर वो छुट्टी आपका जमा हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हम लोग जो रिचार्ज करते हैं पैसे, जैसे फ़ोन पे अगर हम लोग यूज़ ना करें तो वो अगले महीने रिचार्ज के अमाउंट के साथ वो एक्यूमुलेट हो जाता है या जुड़ जाता है। हम लोग जैसे इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो इंटरनेट में क्या होता है, डेली का जो यूसेज कैपेसिटी है, यूसेज जो लिमिट हमें मिलता है, वो अगर नहीं हम लोग कंज्यूम करते हैं पूरा, तो अगले दिन के लिमिट के साथ वो ऐड हो जाता है। उसी तरह से ये लीव भी वही है कि अगर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में आपने जो छुट्टी नहीं लिया ना, वो अगले साल के छुट्टी के साथ वो जुड़ जाएगा। नाउ यू हैव वन ऑप्शन कि आप क्योंकि काम कर रहे थे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं कि मेरा जो भी छुट्टी का पैसा होता है, मतलब जिस दिन मैं काम पे आया, मेरे को तो काम पे नहीं आना चाहिए था, यू हैव गिवन मी लीव, सो आई कुड हैव यूटिलाइज दैट दोज नंबर ऑफ डेज एज माई लीव, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं लिया, मैंने काम किया, तो मुझे आप वो छुट्टी के पैसे दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इट इज़ वेरी सिंपल, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको टोटल लीव आपको मिला 45 डेज का, ये 45 डेज में से आपने यूज़ किया, आपने यूटिलाइज किया सपोज 15 डेज, तो लीव स्टिल अवेलेबल, अभी भी आपके पास है, कितना 30 डेज, 30 दिन का छुट्टी आपके पास है, तो आप वो छुट्टी लिए ही नहीं, एंड यू रादर ऑप्टेड टू गो टू ऑफिस एंड वर्क। तो 30 दिन तो भैया बहुत होता है, सपोज़ आपको एक महीने का 20,000 रुपीज़ सैलरी मिलता है, तो ये 30 दिन तो एक महीना हो गया, एंड यू कैन आस्क योर ऑर्गेनाइजेशन टू पे यू 20,000 रुपीज़ फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ डेज। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो
यू कैन आइदर आस्क योर ऑर्गेनाइजेशन टू पे द टोटल अमाउंट ऑफ लीव का सैलरी, उसे हम लोग कह रहे हैं लीव सैलरी, कि आप वो पैसा पेमेंट कर दीजिए अभी के अभी उसी साल में, या फिर यू कैन वेट एंड वेट एंड वेट, यू कैन वेट कि ये लीव का पैसा मुझे चाहिए नहीं अभी, इसे जुड़ने दीजिए, इसे बढ़ने दीजिए, हर साल 30 दिन 25 दिन 20 दिन करके ये बढ़ेगा, बढ़ते 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 जब मैं रिटायर करूँगा तो इकट्ठा बहुत सारा लीव हो जाएगा। सपोज 600 डेज 700 डेज का आपका छुट्टी बाकी है आपके पूरे वर्किंग लाइफ का, तो वो पूरा वर्किंग लाइफ का जो लीव का सैलरी है इकट्ठा अगर आपको मिलता है तो करीब 5 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए आपको मिल सकता है। सो इसीलिए हम लोग इसे रिटायरमेंट बेनिफिट का ही नाम देते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ इस किताब के इस पन्ने में, इस पेज में क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड करते हैं, एक बार इसको रीड करते हैं। सो जो मैंने कहा वो यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है। As per service rules, an employee gets different leaves. An employee has to earn leave in the first instant, and only when he has leave to his credit, he can apply for leave. मतलब एक हर organization में leave तो मिलती है, तो आप जो post में काम कर रहे हैं आपके पास कितने सारे दिन के leave बचे हुए हैं उसी के हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर आपके पास छुट्टी नहीं बचा हुआ है तो आप अपने कंपनी के काम से छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास लीव अवेलेबल है तो आप छुट्टी ले सकते हैं। इफ़ लीव स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इज नॉट टेकन विद इन अ ईयर, अगर आपके पास जो भी छुट्टी था वो आप नहीं लिए, तो एज पर सर्विस रूल इट मे लैप्स, वो लैप्स होगा, या फिर इट मे बी इनकैश्ड, आप उसे उस छुट्टी का पैसा को आप इनकैश कर सकते हैं, या फिर इट मे बी accumulated, वो जुड़ सकता है। The accumulated leave standing to the credit of an employee may be availed by the employee during his lifetime. मतलब during lifetime तो है ही, during service time. मतलब आप जिस टाइम पे काम कर रहे हैं, रिटायर अभी तक नहीं हुए हैं, उस बीच भी आपको कुछ पैसे का ज़रूरत पड़ा कभी भी, तो you can withdraw that amount of money एज लीव सैलरी का जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है ना, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से फॉर सर्टेन इकोनॉमिक पर्पसेस जो आपको चाहिए। सच लीव मे बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब, हो सकता है कि आप काम छोड़ दे रहे हैं या फिर आप रिटायर हो रहे हैं, तो जब आप रिटायर होंगे वो लीव का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को हम लोग देखेंगे, इस टेबल को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि लीव इनकैशमेंट मिल रहा है भैया, आप छुट्टी का पैसा ले ले रहे हैं। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई कौन है, सरकारी एम्प्लॉई है या फिर सरकारी एम्प्लॉई नहीं है। अच्छा, पहला कैटेगरी है, अगर आप लीव का पैसा, लीव का जो सैलरी है, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप आपका नौकरी रहते रहते आप लीव का पैसा निकालते हैं अपने फर्म से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, मैं कहना चाहता हूँ आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं, आप रिटायर नहीं किए हैं, आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं, आप अभी भी रिटायर नहीं किए हैं, रिटायर करने के पहले काम करते करते आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से लीव का पैसा ले ले रहे हैं। ठीक है, सो जब आप लीव का पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसे हम लोग कहते हैं लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, याद रखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो आप, इट इज़ फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स, पूरी तरह से ये टैक्सेबल है, कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपको, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है एकदम, और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप ये याद रखो कि लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इज़ फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अब अगर रिटायर कर गए आप, रिटायर करने के बाद अगर लीव इनकैशमेंट आपको मिले, तो फिर दो बातें हैं यहाँ पे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप रिटायरमेंट तक वेट किए लीव सैलरी के लिए, और अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर आप गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कहीं पर भी कोई भी सरकारी दफ्तर में आप काम करते हैं,
तो फिर जो भी लीव सैलरी यू हैव विदड्रॉन और यू हैव अर्नड ड्यूरिंग योर सर्विस टाइम, रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिलेगा ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा. नथिंग इज टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नथिंग इज टैक्सेबल. देखो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है. देखो दो अलग अलग सिचुएशन है. पहला सिचुएशन था ये ड्यूरिंग सर्विस, ये है ड्यूरिंग, और ये है रिटायरमेंट, रिटायर हो गया, ये भी और ये भी, ये है ड्यूरिंग सर्विस. ड्यूरिंग सर्विस अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं या पैसा लेते हैं तो दैट इज़ फुल्ली टैक्सेबल. अगर रिटायरमेंट के बाद लेते हैं तो दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पार्टली एग्जेम्प्ट होता है. उसका कुछ कैलकुलेशन है जो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है? तो वो आज सीखेंगे. मैं एक बार एक यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, एक चार्ट जैसा बनाता हूँ जो समझने में बहुत सुविधा होगा. यहाँ पे देखते हैं क्या है. लीव सैलरी, ठीक है? लीव सैलरी का दो पार्ट है. एक है आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, आपको वो लीव सैलरी मिल रहा है, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट. अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल. अगर आफ्टर रिटायरमेंट है तो यहां पे दो अलग अलग सेक्शन बनेगा, ठीक है? एक सेक्शन है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट. अगर आप नॉन गवर्नमेंट हैं तो फिर आपका कुछ कंडीशन यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? आपको कुछ कंडीशन यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है यहां देखते हैं. अमाउंट ऑफ लीव, आपको जो भी अमाउंट ऑफ लीव सैलरी है वो जितना भी मिलेगा, ठीक है? यहां लिखता हूं मैं अमाउंट ऑफ लीव सैलरी जो आपको मिला वो आपने लिखा, यहां से आप माइनस करिए एग्जेम्प्ट. क्या एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट टू द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग. मैं क्या कह रहा हूं मैं वापस बताता हूं कि लीव सैलरी आपको टोटल मिला, यहाँ पे ये आपको लीव सैलरी मिला रिटायरमेंट के बाद, बहुत मोटी रकम मिली आपको, तो क्या पूरा टैक्सेबल होगा? नहीं, पूरा टैक्सेबल नहीं होगा. इसमें से कुछ पैसा माइनस होगा. कितना पैसा माइनस होके टैक्सेबल होगा, वो जो जो पैसे माइनस होंगे वो यहाँ पे मैं चार कैटेगरी में लिखूंगा, चार कैटेगरी में लिखूंगा. क्या क्या है वो चार कैटेगरी, हाँ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या है चार कैटेगरी. पहले समझते हैं फिर लिखते हैं. पहला है पीरियड ऑफ अर्नड लीव, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, पीरियड ऑफ अर्नड लीव इन नंबर ऑफ मंथ्स टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब इनटू एवरेज मंथली सैलरी. ठीक है, क्या मैंने कहा, मैं वापस बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या कहा. मैंने कहा कि पहला जो है,
पहला जो है वो है पीरियड ऑफ सैलरी, पीरियड ऑफ अर्नड लीव, जितना भी आपका टोटल लीव है इन नंबर ऑफ मंथ्स टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और ली और लिविंग द जॉब, मल्टीप्लाई करो उसे एवरेज मंथली सैलरी से. एवरेज मंथली सैलरी मैं सब बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा. दूसरा है 10 से मल्टीप्लाई करो एवरेज मंथली सैलरी को. तीसरा है द अमाउंट ऑफ, मतलब ये है स्टैट्यूटरी लिमिट, 3 लाख रुपया लिमिट है, 3 लाख रुपया. और लास्ट है लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड एट द एंड ऑफ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ठीक है. मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ लीव, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लीव. अब मैं यहाँ पे एक एक करके नंबर करके लिखता हूँ. नंबर वन क्या है, नंबर वन, अच्छा, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, जितना लीव सैलरी आपको मिला वो, ये अगर आपका x है ना तो ये भी x होगा, ठीक है. दूसरा लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ऑन the basis of maximum 30 days per year multiply average salary यहाँ पे 10 month के हिसाब से होगा, ठीक है ना. अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मैंने क्या कहा, लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर इनटू एवरेज सैलरी. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए हो सकता है कि वो 45 दिन का छुट्टी दे साल में, 60 दिन का छुट्टी दे, 70 दिन का छुट्टी दे, 100 दिन का छुट्टी दे. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशंस चॉइस टू मेक द एम्प्लॉय एज हैप्पी एज पॉसिबल. मैं वापस बोल रहा हूँ कि इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस चॉइस टू गिव देयर एम्प्लॉयज एज मेनी नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव एज दे थिंक दैट इज गुड. जितना मर्जी आप छुट्टी दो ना, लेकिन जब हम लोग इनकम टैक्स में लीव सैलरी कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो लीव हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 30 दिन के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे. मतलब मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बोलता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको अलग से इलाबोरेट करके बोलता हूँ. बिकॉज यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूशन शुरू होता है, यही मेन पॉइंट है, ठीक है ना, यही है मेन पॉइंट. लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय. अच्छा मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को जितना मर्जी उतना छुट्टी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 30 डेज़ का ही लीव को कंसीडर कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट का रूल है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते हम लोग. तो हमें कहा गया है कि लीव सैलरी जब भी आप कैलकुलेट करें तो आप 30 दिन तक ही माने. मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक्स जो है उसको लीव जो है वो सपोज 45 डेज पर ईयर मिलता है, ठीक है. अच्छा पर ईयर मिलता है, ठीक है, और उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस जो है ना वो है सपोज 30 ईयर्स. मैं एक रफ सा एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. लीव उसने लिया है, लीव यूटिलाइज्ड,
लीव यूटिलाइज, सपोज 30 दिन, 30 साल उसने काम किया ना, तो मैं 10 दिन करके सोचता हूँ, तो चलो यहाँ पे 300 दिन में पकड़ता हूँ, 300 डेज, उसने अपने सारी ज़िंदगी में 300 दिन का छुट्टी लिया है। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना लीव स्टैंडिंग टू क्रेडिट, तो कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लीव एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से लीव कितने दिन का होना चाहिए। इनकम टैक्स रूल में हमारा बताया हुआ है कि एक साल में आप 30 डेज का ही लीव ले सकते हैं, तो 30 डेज का लीव इसको मल्टीप्लाई करो आप 30 साल से। मैं वापस कहता हूँ, देखो यहाँ पे 45 डेज का लीव उसका ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे खाली 30 डेज, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बताया हुआ है कि मैक्सिमम एक एम्प्लॉय को इनकम टैक्स में जब हम लोग लीव सैलरी कैलकुलेट करें तब 30 डेज ही आप कंसिडर करो। तो 30 डेज इंटू 30 टोटल लीव कितना हो गया, 900 दिन, 900 दिन उसके पास था, जिसमें से लेस लीव अवेल्ड, उसने छुट्टियां कितनी सारी छुट्टियां उसने ली, 300 डेज क्वेश्चन में मैंने अब भी लिखा एग्जांपल में, तो जो बचा ना वो है 600, तो ये 600 दिन उसके पास अभी भी छुट्टी बाकी है। इसको अगर आप एवरेज नंबर ऑफ एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट टोटल लीव सैलरी, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा था रूल, अच्छा तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि लीव सैलरी में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या था, पीरियड ऑफ अर्नड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, यही तो है, यही वाला मैं बताया अभी। दूसरा कैटेगरी है आपका 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, मतलब आपका एवरेज मंथली सैलरी आप कैलकुलेट करो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा है मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट आपका 3 लाख रुपीज़, और चौथा है यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्स है ना वही। तो मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा था, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे लिख रहा था, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पहला हो गया एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड। दूसरा नंबर पे हम लोगों ने लिखा कि लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर इनटू एवरेज सैलरी। तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पे आपका एवरेज सैलरी, इसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से, ठीक है। एंड चौथा हो गया हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट, विच इज 3 लाख, दैट्स इट। ये 1, 2, 3, 4, इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा उसको आप बाहर लेके जाओ, लीस्ट वाले को आप बाहर लेके जाओ, ऊपर से नीचे को इसको आप माइनस करो, जो आएगा ना वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा, जो आएगा अमाउंट वो हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा, मैंने जो पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ में देखो यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉई वो दिया हुआ है, किस तरह से कैलकुलेट करना है वो दिया हुआ है, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल दिया अभी जो समझाया उसी तरह से दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे किताब से पढ़ने से तो समझ में थोड़ा कम आता है, इसलिए सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने समझा। अच्छा, यहाँ पे जो एवरेज सैलरी बोला हुआ है ना, वो एवरेज सैलरी विल बी कंप्यूटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ पिछला 10 महीना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। नाउ एक सम हम लोग देखते हैं, ये सम को देखने से हमारा काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आई होप क्लियर होगा। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, अरे ये तो सरकारी एम्प्लॉय है, ठीक है, सरकारी एम्प्लॉय है। द मोमेंट यू रीड दिस पॉइंट, दिस दिस थिंग गवर्नमेंट, तो भैया आप ये चीज़ याद रखो, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उसे पैसा मिल रहा है तो फिर इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट अगर मिल रहा है तो फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट। नाउ एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिटायर्स ऑन January 3, 2020 एंड रिसीव्स 11,60,000 एज कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्नड लीव टू हिज क्रेडिट। 11,60,000 रुपया उसको लीव सैलरी के हिसाब से मिला। इज रुपीज 11,60,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सिंस एक्स इज, अच्छा वो रिटायरमेंट के बाद मिला ना उसे पैसा, सिंस एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव सैलरी ऑफ 11,60,000 इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन व्यू ऑफ सेक्शन 10(10)(aa). तो ये याद रखना, 10(10)(aa) जो है हमारा ये सेक्शन है जो लीव सैलरी में हम लोग बार बार लिखेंगे, हाँ, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दैट इज़ वाई इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्स वॉज एम्प्लॉयड बाई पी क्यू आर लिमिटेड अप टू March 15, 1988 एट द टाइम ऑफ लीव पी क्यू आर लिमिटेड ही वॉज पेड 3,50,000 एज लीव सैलरी आउट ऑफ विच रुपीज 57,000 वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(aa). देर आफ्टर ही जॉइंड ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसीव्ड 4,12,200 एज लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन December 31, 2019। Determine the amount of taxable leave salary from the following information. अच्छा मैं एक बार समझा दूँ, इट इज़ नॉट अ ईजी सम, ये किताब में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स दिए हुए हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्या सिचुएशन यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स जो है ना वो 1988 तक वो पी क्यू आर लिमिटेड बोल के जो कंपनी है ना उसमें वो काम करता था, तो वहाँ से रिटायर कर गया, रिटायर नहीं मतलब उसने काम छोड़ दिया वहाँ पे। वो जब वहाँ पे काम छोड़ दिया ना तो वहाँ पे उसे 3,50,000 रुपये का लीव सैलरी मिला था, तो वो 50,000 का लीव सैलरी मिला जिसमें से 57,000 रुपया एग्जेम्प्ट हुआ था, बाकी टैक्सेबल हुआ था है ना। 3,50,000 से अगर आप 57,000 माइनस करो ना तो वी विल गेट 2,93,000 है ना। सो 2,93,000 पे टैक्स उसे पेमेंट करना पड़ा था 1988 में। वापस से कहता हूँ मैं, पी क्यू आर लिमिटेड में एक्स काम करता था 1988 तक, वो उसके बाद वहाँ से काम छोड़ दिया और छोड़ के वो एबीसी में ज्वाइन किया। लेकिन जब वो काम छोड़ रहा था तो उसके कुछ लीव सैलरी का अमाउंट वहाँ पे ड्यू था जो उसे मिल गया, जो ड्यू अमाउंट था विच वॉज 3,50,000 रुपीज़, उसमें से अंडर सेक्शन 10(10)(aa) जो कि लीव सैलरी का एग्जेम्पशन वाला सेक्शन है उसके मुताबिक उसे 57,000 रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिला। रिटायरमेंट के बाद वो एबीसी बोल के जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पे वो ज्वाइन किया और वहाँ से भी रिटायरमेंट वो रिटायर हो गया 31 दिसंबर 2019 को, December 31, 2019 को, और उस समय उसे लीव सैलरी मिला 4,12,200 रुपया। हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 22,900, एवरेज सैलरी ऑफ पिछला 10 महीना, एवरेज सैलरी भी दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉम March 1 to July 31 पर मंथ 22,600 और August 1 से December तक 22,900। मतलब यहाँ पे देखो 300 रुपये का डिफरेंस है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको 300 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला था, ठीक है, इंक्रीमेंट मिला था। तो कोई नहीं, हम लोग को तो एवरेज सैलरी लेना है ना, सो ये 22,600, यहाँ पे देखो कितने महीने हो रहे हैं, 1, March, April, May, June, July है ना, March, April, May, June, July 1, 2, 3, 4, 5, सो ये 5 मंथ्स हो गया, सो 5 into 22,600
अच्छा, और इसका मतलब ये भी आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये भी 5 मंथ्स हो गया। इसको भी आप 22,900 से मल्टीप्लाई करो तो हमें कितना मिलेगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। यहाँ पे 22,600 प्लस इनटू 5, सो वी आर गेटिंग 1,13,000, 1,13,000। और 22,900 इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो वी आर गेटिंग 60, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइव थ्री, से करेंगे ना आप? हाँ, सॉरी सॉरी, 5 से करना है, 5 से करना है। 22,900 मल्टीप्लाई करना है 5 से, हमें मिलेगा 1,14,500। हाँ, 1,14,500, 1,14, वन वन फोर 500, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस 1,13,000, हम लोग को मिल गया 2,20,000। 27,000, 27,500। हाँ करेक्ट। अब इसको आप डिवाइड करो 10 से, सो हम लोग को मिल रहा है 22,750। तो ये हो गया मेरा एवरेज सैलरी। ठीक है, तो जहाँ पर भी सैलरी का सिचुएशन क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ हमें अप्लाई करना है, वहाँ पे हम लोग ये 22,750 को अप्लाई करेंगे। अब आगे का इन्फॉर्मेशन देखो, आगे क्या दिया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 45,434 ईयर्स। लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस 45 डेज। देखो उसे 45 दिन का छुट्टी हर साल मिलता है, 45 डेज का छुट्टी हर साल मिलता है। लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, वो 90 दिन का छुट्टी ले चुका है अपने पूरे ज़िंदगी में। लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो है ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये कैलकुलेशन पे आप रिलाई मत करना, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, आपको हमेशा अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, लीव सैलरी पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एट द रेट ऑफ 22,900। अच्छा, सो इस हिसाब सर से उसे लीव, बेसिकली 14 एंड हाफ ईयर से इनटू 30 और डिवाइड -90 होगा ना, एग्जैक्ट इसका जो लीव कैलकुलेशन होगा करेक्ट, जो 30 डेज से। काउंट हाँ करेंगे। हाँ हाँ राइट राइट राइट, 14 इयर्स इनटू 30 -90, 90 डेज यस की छुट्टी लिया हुआ। यस 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 यस। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम है, देखो यहाँ पे क्या करना है। पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। लीव सैलरी, रिसीव्ड कितना है, 4,12,000। एक सेकेंड, मैं ये पीडीएफ एक बार खोल लेता हूँ। दैट वुड बी, अच्छा, लीव सैलरी रिसीव्ड, तो क्वेश्चन के हिसाब से 4,12,200 रुपये हमें मिला है ना, 4,12,200। इससे हम लोग लेस करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 10 ए टू द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, नंबर वन, नंबर वन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड।
4,12,200। चार लाख बारह हजार दो सौ ये एक्चुअल अमाउंट हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हमारा है नंबर टू विल बी लीव स्टैंडिंग टू क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट इससे हम लोग को यहाँ पे निकालना है। लीव कितना होगा, देखो टोटल लीव कितना होगा, 14 ईयर्स इंटू 30 डेज पर ईयर, ठीक है ये हो गया। इसमें से उसने 90 डेज का लीव यूटिलाइज किया है ना। सो पहले देखते हैं यहाँ पे कितना होता है हमारा 14 इंटू 320 डेज। यस यस सो 330 क्या बोल रहे हो तुम, 14 इंटू 30 हाँ 330 दिन हाँ 330 इसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से। हम लोग एवरेज सैलरी कुछ देर पहले निकाले ना 22,750 करेक्ट 750 22750 ठीक है दैट्स इट। सो 330 मल्टीप्लाई करो 22750 एंड वी आर गेटिंग दिस अमाउंट ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा बाहर लिखते हैं, अच्छा नहीं ठीक है ओहो हो सॉरी ये तो 330 डिवाइडेड बाय 30 करना पड़ेगा। सर ये तो एवरेज सैलरी हो गया ना सर, ये तो पूरा साल का आपने कहा। हाँ 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 ये पूरे महीने का है, नहीं नहीं ये एवरेज सैलरी एक महीने का है, हमारे पास तो ये इन डेज है ना 330 डे है, तो एक दिन का सैलरी कितना होगा, एक दिन का निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 30 करो है ना, एक दिन का सैलरी निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 30 करना होगा ठीक है। सो 22750 एक महीने का एवरेज सैलरी है, इसको डिवाइड करो 30 से, मल्टीप्लाई करो 330 डेज से, तो 330 दिन का सैलरी मुझे मिल जाएगा विच इज़ 250,250। वापस बताता हूँ मैं, ये जो है ना 22,750 ये कितने दिन का सैलरी है, हमने तो अभी कैलकुलेट किए 30 डेज का क्या किए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव जो कि बचा हुआ है, जो छुट्टी हम लोगों ने कंज्यूम नहीं किया वो है 330 डेज, 330 दिन का छुट्टी हम लोगों ने नहीं लिया, तो 330 दिन का सैलरी कितना होगा, 330 दिन का सैलरी तो हम लोग एक दिन के सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक दिन का सैलरी हमें निकालना पड़ेगा हाँ, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 330 से टू गेट 330 डेज का सैलरी विच इज 250,000। 330 को भी तो हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं ना सर, 330 को 12 से हाँ राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली वी कैन डू दैट मतलब तुम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 330 डिवाइडेड बाई 12 तो नंबर ऑफ मंथ्स में आ गया, इसको आप 22,750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आएगा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज में इट विल गिव अस एग्जैक्ट अमाउंट। अच्छा ओके सर, हाँ हाँ राइट। अभी देखो यहाँ पे 10 मंथ्स सैलरी, 10 महीने का सैलरी भी हमें लेना है, तो 10 महीने का सैलरी मतलब 22,750 एक महीने का सैलरी है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 227500 ठीक है। और चौथा हमारा है फोर्थ कैटेगरी हमारा है, एक सेकेंड स्टैट्यूटरी लिमिट, विच इज 3 लाख। अच्छा ये जो स्टैट्यूटरी लिमिट है ना, ये स्टैट्यूटरी लिमिट में कुछ चेंजेस आएगा, यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा देखो, हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज़ बताया हुआ है कि
वो पहले एक कंपनी में काम करता था। एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय के पूरे जिंदगी का स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर लीव सैलरी इज 30,000, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, मैं वापस ये क्वेश्चन में पहुंचता हूँ, क्वेश्चन में जाता हूँ, क्वेश्चन में जाने से समझ में आएगा, इट विल बी मोर क्लियर। हाँ देखो, यहाँ पे एक्स वॉज एम्प्लॉयड विथ पी क्यू आर लिमिटेड, और उस टाइम पे उसे एग्जेम्पशन मिला था 57,000 रुपीज़ का। ठीक है, उसे 57,000 का एग्जेम्पशन मिला था, तो वो 57,000 का कुछ तो यूसेज होगा, कुछ तो यूसेज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने पहले जिस कंपनी में काम किया था वहां से आपको एग्जेम्पशन 57,000 का मिल चुका है। अभी मैक्सिमम आपको 57,000 कम मिलेगा। मतलब क्या है कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन तो 3 लाख रुपया है, किसी भी एम्प्लॉय को अपने ज़िंदगी में 3 लाख रुपया का ही एग्जेम्पशन मिल सकता है, उसे ज़्यादा का नहीं मिल सकता है। तो 3 लाख का मिल सकता है, जिसमें से 57,000 का वो पिछले एम्प्लॉयमेंट से ले चुका है, तो जो बचा यहाँ पे 2 लाख, 2,43,000 का लिमिट, ये उसके लिए मैक्सिमम है। वापस से कहता हूँ, स्टैट्यूटरी लिमिट जो है एक एम्प्लॉय के पूरे ज़िंदगी के लिए होता है। सो स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर वन एम्प्लॉय इज 3 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ लीव सैलरी। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑलरेडी ये एम्प्लॉय पिछला एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, जहाँ से उसे 57,000 रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल चुका है। 3,50,000 रुपये वहाँ से लीव सैलरी मिला था, और उसको जब कैलकुलेट किया गया सेक्शन 1010AA के हिसाब से, तो 57,000 का एग्जेम्पशन वो ले चुका था। तो अब की बार जब हम लोग लीव सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट जो है उससे 57,000 रुपीज़ घट जाएगा। घटने के बाद जो बचेगा, विच इज़ 2,43,000, वो हमारा नया स्टैट्यूटरी लिमिट बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा नया स्टैट्यूटरी लिमिट बन जाएगा। सो इन तीनों में से जो सबसे छोटा फिगर है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा फिगर है वो है हमारा ये 10 महीने का एवरेज सैलरी, दिस वन। इसको हम लोग बाहर लेके जाएंगे 2,27,500, और इसको माइनस करेंगे ऊपर के ये वाले अमाउंट से। ठीक है, सो 4,12,200 माइनस 2,27,500, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1,84,700। सो 1,84,700 ये हमारा टैक्सेबल लीव सैलरी हो गया। टैक्सेबल लीव सैलरी हमारा 1,84,700 हो गया। सो दिस इज हाउ लीव सैलरी का सम को हमें सॉल्व करना है। ठीक है,